नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता कक्कू। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता। इस कविता में एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है कक्कू। कक्कू का अर्थ होता है कोयल, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। कविता में बताया गया है कि ये जो लड़का है कक्कू, ये दिन भर रोता रहता है, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते हैं। क्या कहकर चिढ़ाते हैं? दूसरे बच्चे इसको सक्कू बोलकर, सक्कू कहकर चिढ़ाते हैं। पैराग्राफ नंबर 2, कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली। कोयल माने मिश्री जैसी जिसकी मीठी जिसकी बोली। कोयल जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मीठी होती है, यह तो भड़क जाता, करो जब इससे तनिक ठिठोली। लेकिन कक्कू थोड़ी सी हंसी मजाक करने पर ही क्या हो जाता है? भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर तनिक का अर्थ है थोड़ा सा, ठिठोली मतलब हंसी मजाक करना। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। और जब भी कक्कू के साथ हंसी मजाक किया जाता है तो वह भड़क जाता है, इसीलिए हम इसे भक्कू बोलते हैं। नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह सदा जो फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम छक्कू। नाम है उसका कक्कू। यहाँ बताया गया है कि कक्कू गाना गाता है लेकिन बात बात में चिढ़ जाता है, हमेशा मुँह फुलाए रहता है, मतलब गुस्से में रहता है। जिसको गाना भी नहीं आता है और ऐसे झगड़ालू को हम क्यों ना कहें ये झक्कू। नाम क्या है बच्चों इसका? इसका नाम है कक्कू। ये कविता रमेश चंद्र शाह के द्वारा लिखी गई है। अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर नाम ही नाम, पहला प्रश्न यहाँ पर है, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तो बच्चों, आप सभी अपने अपने कॉपी में, नोटबुक में अपना नाम लिखोगे और नाम के सामने उसका अर्थ लिखोगे, बताओगे कि आपके नाम का मतलब क्या है। अगर आपको आपके नाम का मतलब ना पता हो तो आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे, भाई बहन से पूछोगे और अपने टीचर से पूछोगे। प्रश्न नंबर 2, तुम्हारे कितने नाम हैं, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं? जैसे प्यार वाला नाम, घर पर मम्मी पापा तुम्हें किस नाम से पुकारते हैं? प्यार से। यहाँ पर 2 लाइनें, खाली लाइनें दी हुई है, यहाँ पर आप वो नाम लिखोगे जो आपका प्यार वाला नाम है, मतलब आपको प्यार से उस नाम से बुलाया जाता है। अगले कॉलम में चिढ़ाने वाला नाम, यहाँ पर आप अपने ही वो दो नाम लिखोगे जिन दो नामों से आपको चिढ़ाया जाता है। दोस्तों का दिया नाम, फिर तीसरे कॉलम में आप अपने वो दो नाम लिखोगे जो आपके दोस्तों के द्वारा दिया गया है, अर्थात आपके दोस्त आपको क्या कहकर बुलाते हैं। प्रश्न नंबर 3, सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा, जैसे गप्पू। अब आपको यहाँ पर बताना है कि गप्पू हम किसी को क्यों बोलते हैं।
जो बहुत ज्यादा बातें करता है, गप्पे मारता है, हम उसे क्या बुलाते हैं? गप्पू। भोली, जो सीधा साधा हो, जो ज्यादा बातचीत ना करे, ऐसी छोटी बच्ची को, लड़की को हम क्या बोलते हैं? भोली। छुटकी, जिसका कद छोटा होता है उसे हम छुटकी बोलते हैं। और मोटे बच्चे को गोलू कहा जाता है। नेक्स्ट, अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है? तो हमने कविता में पढ़ा था कि भक्कू जो जल्दी भड़क जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? भक्कू। तो यहाँ पर अपने उस दोस्त का नाम और अपनी उस सहेली का नाम लिखोगे जो जरा जरा सी बात पर भड़क जाता है। ऐसे ही झक्कू आप किसे कहोगे और गप्पू आप किसे कहोगे? यहाँ पर अपने दोस्तों के, अपनी सहेलियों के आप नाम लिखोगे। आगे अब कविता का समय। ये कविता आधी अधूरी दी गई है, तो आपको क्या करना है? ऊपर जो कविता मैंने अभी आपको कराई है, पहले आप उसे याद करोगे और फिर यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है, आप याद करके कविता को और इस कविता को पूरा करके लिखोगे। आगे, कक्कू कैसा है? कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? लिखो, क्योंकि क्या बताया था कविता में कि कोयल की आवाज़ मीठी होती है, मिश्री सी मीठी होती है, लेकिन कक्कू की आवाज़ मीठी नहीं होती। कक्कू बहुत जल्दी क्या हो जाता है? चिढ़ जाता है, लेकिन कोयल नहीं चिढ़ती। कक्कू झगड़ालू है, लेकिन कोयल झगड़ालू नहीं होती। कक्कू गाना तो गाता है, परंतु उसका गाना मीठा नहीं होता है। जबकि कोयल बहुत ज़्यादा मीठा गाना गाती है, इसीलिए कक्कू कोयल जैसा नहीं है। आगे है नामों की रे। पांच पांच बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। जैसे यहाँ पर पहला नाम दिया गया है राजू। आगे आप लिखोगे कोई भी नाम अपने दोस्तों का, अपने भाई बहन का। नाम लिखने के बाद यहाँ पर नीचे लिखा है वर्णमाला, याद है ना? चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। वर्णमाला आपने पिछली कक्षा में पढ़ी होगी, याद भी किया होगा। तो वर्णमाला में सबसे पहले क, ख, ग, घ, अड़। तो ऊपर जो नाम लिखे हैं उन नामों को आप यहाँ पर क्रमशः वर्णमाला के अनुसार लिखोगे। आगे है चिड़ाना। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? अगर तुम्हें कोई चिढ़ाता है तो आप उसका नाम लिखोगे, तब तुम्हें कैसे लगता है? और बताओगे कि जब तुम्हें कोई चिढ़ाता है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? कक्षा में चिढ़ाना शब्द पर आपको चर्चा भी करनी है, परंतु अभी आप कक्षा में नहीं आ सकते हैं, तो इस शब्द पर आप घर में ही अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से चर्चा कर सकते हो।